की मुलाकात साबित नहीं है। तो वाकई एक बड़ा मशहूर है जिसकी वजह से जो है ना इनकी आमद बगदाद में साबित हुई है कि हाँ ये बगदाद गए। कि हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी बीबी नसीबा जो बगदाद में रहती थी, वो लावलत थी, उनकी औलाद नहीं होती थी। तो उन्होंने हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर दुआ की अर्ज करी कि भाई मेरे लिए दुआ करो कि मेरे औलाद हो जाए, क्या एक ही हो जाए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, आप मुराकिब हो गए। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि ए बीबी नसीबा, मेरी दुआ से तुम्हारे औलाद नहीं होगी। एक मर्द हक बगदाद में आएगा, वो दुआ करेगा और फिर औलाद होगी तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। आपने फरमाया कि जब वो आएगा मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। तो जब हजरत शाहबुद्दीन कुतुब मजार सयाद करते हुए बगदाद पहुंचे तो आपने अपनी बहन को इतला करी कि वो बुजुर्ग आ गए, जाओ उनसे दुआ करा लो। तो आप वहां दुआ कराने के लिए गई। तो जब आपने आपको देखा बीबी नसीबा को, तो आपने फरमाया कि ए बीबी तुम्हारे औलाद होगी लेकिन एक शर्त हमारी होगी। उन्होंने कहा क्या? कहा जो पहला तुम्हारे होगा वो बेटा होगा, वो तुम हमें दोगी। तो आपने कहा हजरत मेरी तो सारी औलादे आप की नजर हो जाएंगी, कोई मसला थोड़ी है, हम आपकी नजर कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं एक चाहिए बस। उन्होंने कहा जैसा आपकी मर्जी। आपने कहा जाओ बस तुम्हारे इसी साल बेटा होगा। तो हजरत जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती जो है वो पैदा हो गए। और आपने फरमाया कि जब लड़का होगा तो उसका नाम जमालुद्दीन रखना, वो हमारा जाने मन होगा। तो आपने उनका नाम जमालुद्दीन ही रखा था। आप 3 बरस के कहते हो गए थे तो आप उनके घर पहुंच गए कि भाई हमारी अमानत हमारे दुरुस्त करो। तो 3 बरस में उनके 3 औलादे हो चुकी थी, 2 और हो चुकी थी। तो आपने फरमाया कि अब तुम्हारे औलाद तो है लेकिन हमारा ये बेटा हमारे हवाले करो। तो आप लेकर चले गए। हाँ, तो जमालुद्दीन जुम्मन जत्थी जो है, हिंदू जुम्मन जत्थी कहते हैं आपको और हमारे लोग जन्नती कहते हैं उनको, जाने मन जुम्मन जन्नती। तो ये गौस पाक के हजरत भांजे भी हैं सगे। कितने दिन हुआ था? तो बुजुर्ग कहते हैं अच्छा इनको खाने में जर्दा बहुत पसंद था। अच्छा ये कपड़े भी जर्दे रंग के पहनते थे, जोगिया कलर जो कहलाता है ना। सारे जोगी जो बाद के थे इस्माइल जोगी का जितना गिरोह है वो सब आपकी तकलीद में वही कपड़े पहनता है। तो आप चूंकि मंगल के रोज आपका विसाल हुआ था तो आपको जर्दा बहुत पसंद था। तो जो लोग बुजुर्ग कहते हैं जो लोग परेशान हो रोजी रोजगार से, कारोबार न चलता हो, चाहे वो जादू की वजह से हो चाहे वैसे ही परेशान हो माशी तौर पर, तो वो इनका जर्दा पका के इनकी नियाज दिलाया करें मंगल के मंगल। तो कुछ मंगल गुजरेंगे हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बहुत लोगों को मैंने बताया और मैंने रिजल्ट 100% देखा है इस बात।
तो बहुत कमाल की।